हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इन क्लासेस। देखिए, हमने डीडीसी को पढ़ लिया था, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि कब आई थी, 1876 में। किसके द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया? मेलविल डिवे ने 1876 में उसका प्रतिपादन किया। ठीक है, 1873 से 76 तक वो उसको अध्ययन करते रहे। कहाँ अध्ययन किया? एमहर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने इसका 3 साल तक अध्ययन किया। उसके बाद उन्हें लगा कि अब ये जो स्कीम है ये दुनिया में लानी सही है। उसके बाद इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। फिर इसके अब तक 23 एडिशंस आ चुके हैं, जिनको हमने पढ़ लिया था, किसमें कितने खंड हैं और जो मेन थी सब पढ़ ली थी, रिवाइज भी पढ़ ली थी, कौन सी एडिशन रिवाइज थी, किसमें कितने खंड आए थे, और इसके इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन वर्जन को भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने डीडीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लिया था। क्लियर? अब हमने जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है हमारे सिलेबस के अंदर, CC कॉलन क्लासिफिकेशन, उसको डिस्कस करना है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें क्या देखना होगा? डिविजन्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, उनको आगे कहाँ डिवाइड कैसे किया हुआ है, किन किन में उनका विभाजन किया हुआ है, वो हमने आज देखनी है। तो डॉक्टर रंगानाथन जी ने क्लासिफिकेशन स्कीम्स को अलग अलग डिवीज़न दिए हैं। अब देखते हैं कि वो डिविजन्स कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर वन है प्योरली एन्यूमरेटिव, प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है? प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। देखिए, परि मतलब पहले से ही, गणना मतलब गिनती की जा चुकी है। ठीक है, जो पूर्णतः पूरी तरह से पहले से ही गणना जिनकी की जा चुकी है, वो कौन सी पद्धति कहलाएगी? पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर क्या होगा? जो रेडीमेड नंबर्स होंगे, क्या होंगे? रेडीमेड नंबर्स। नंबर्स कौन से? क्लास नंबर। इसमें क्या होगा? जो क्लास नंबर होगा वो ऑलरेडी इसमें बना बनाया होगा। हमने सिर्फ क्या करना है, उसको फाइंड करना है और उसको किताब पे अंकित कर देना है। क्लियर? तो ये जो पद्धति है प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, इसमें क्या है, पूर्णतः परिगणनात्मक, पहले से ही जिनकी गणना की हुई है, रेडीमेड क्लास नंबर्स मिलेंगे। क्लियर? इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसका एग्जांपल है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये पद्धति आई थी 1904 में। इसके अंदर रेडीमेड है सारे वर्गांक, उनको सिर्फ हमें फाइंड करना है और बुक को प्रोवाइड करवाना है।
दूसरा इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो होगा राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम, ये आई थी 1961 में। ठीक है, तो पहली हमने जो वर्गीकरण की जो पद्धति थी उसका प्रकार देखा कि कौन से विभाजन में, कौन से विभाजन के प्रकार में आती हैं। तो पहला क्या था, प्योरली एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसमें क्या याद रखना है, रेडीमेड क्लास नंबर्स मिलेंगे और इसके एग्जांपल हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904 में आई थी और राइटर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम 1961 में आई थी। ये हैं इसके एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पद्धति है ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, ऑलमोस्ट परिगणनात्मक, जो ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर क्या होगा, जो पूर्णतः परिगणनात्मक थी उसमें सारे रेडीमेड थे, इसमें ऑलमोस्ट बने होते हैं, ऑलमोस्ट वर्गांक या क्लास नंबर बने होते हैं। इन्हें ढूंढ कर जोड़ा जाता है। देखिए जोड़ा जाता है, उसमें तो था नंबर वन में था कि ऑलमोस्ट बने होते हैं और उसको एज इट इज किताब को दिया जाता है। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट बने हुए हैं लेकिन इनको आपस में जोड़ा जाता है पहले। ठीक है, जैसे हमने डीडीसी क्यों पढ़ा, डीडीसी के अंदर क्या है, अनुक्रमणिका भी है, अनुसूचियां भी है, सारणी भी है। तो क्या है कि नंबर को सारणी में भी देखना पड़ता है, उसमें से भी ऐड करने पड़ते हैं, है ना, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, टेबल्स, इंडेक्स, सब में से देख देख कर ढूंढ कर इसे जोड़ा जाता है। तो इसका एग्जांपल हम किसको मान सकते हैं, डीडीसी, दिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, डीडीसी, जो कि आप जानते हैं 1876 में आई थी, मेलविल दिवे ने ली थी। सेकेंड इसका एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इसका मैं ले सकती हूँ, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि कब आया था, 1906 में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन स्कीम, जो सेकेंड टाइप था ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम, लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति, जिसमें ऑलमोस्ट नंबर्स बने होते हैं लेकिन उन्हें ढूंढकर पहले जोड़ा जाता है, फिर किताब को अलॉट होता है वो नंबर। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, नंबर वन इज डीडीसी, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, जो डीडीसी कब आई, 1876 में। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, कौन लाया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को, जेडी ब्राउन, कब लाए थे, 1906 के अंदर। तो ये हो गई हमारी दो टाइप्स।
अब हम चलते हैं थर्ड टाइप है ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम. ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, इसका हिंदी नाम है लगभग पक्षात्मक, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति. ठीक है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति. पक्षात्मक मीन्स क्या है, फेसिट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, फेसिट का मतलब होते हैं पक्ष. फेसिट क्या होते हैं, पक्ष. और फेसिट क्या होते हैं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट को जब डिवाइड करते हैं तो फेसिट, और फेसिट को अगर अगर डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है आइसोलेट. अब एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग फेसिट्स में इसको बांट देते हैं तब ये क्या कहलाता है, पक्षात्मक. तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें पक्षों को जोड़ा जाता है, विषय के अलग अलग पक्षों को जोड़ा जाता है फिर वर्गांक बनाया जाता है. तो इसमें लगभग पक्ष ही होते हैं, लगभग, पूरी तरह नहीं, लगभग पक्ष होते हैं जिनको जोड़ा जाता है तब क्या बनाया जाता है, वर्गांक. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक ही है, यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन. ये कौन लाए थे, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन, इन्होंने इसको डिवाइस किया था यूडीसी को. और ये किसका एग्जाम्पल है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ऑलमोस्ट फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, इसका एग्जाम्पल होगा यूडीसी. अब तक हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए, पहला था पूर्णतः परिगणनात्मक पद्धति जिसमें ऑलमोस्ट पूरी तरह से रेडीमेड वर्गांक पाए जाते हैं. सेकंड, ऑलमोस्ट परिगणनात्मक जिसमें ऑलमोस्ट नंबर बने होते हैं, ढूंढकर उनको जोड़ा जाता है जैसे डीडीसी और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन. और थर्ड है लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति जिसका एग्जाम्पल है यूडीसी 1905 में पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा दी गई थी. अब हम बात करते हैं नंबर नंबर पे कौन है, रिजिडली, रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम. ठीक है, अपरिवर्तनीय, रिजिड का मतलब अपरिवर्तनीय, पक्षात्मक, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति. ठीक है, रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति. अपरिवर्तनीय का मतलब परिवर्तन जिसमें ना किया जा सके, और किस में, फेसेट्स में. अब इसमें क्या है, ऐसी पद्धति जिसके फेसेट्स में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप, जिस क्रम में दिया है आपको वही क्रम में लिखना होगा. तो ऐसा किस क्लासिफिकेशन स्कीम में हुआ है, इसका एग्जाम्पल मैं लूँ तो होंगे सीसी, जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, कॉलन क्लासिफिकेशन. इसका कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो एडिशंस हैं वो हैं इसके एग्जाम्पल्स. फर्स्ट टू थर्ड एडिशन में क्या था कि रंगनाथन जी ने कहा था एक ही चिन्ह यूज करना है आपने,
और जिस पक्ष में दे दिया ना कि जिस क्रम में जोड़ना है वही जोड़ सकते हो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या थी, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, एग्जाम्पल थे सीसी के फर्स्ट तीन एडिशन, ठीक है। अभी सीसी को जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 5 है ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, ऑलमोस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं लगभग, फ्रीली मतलब मुक्त, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। अब इसके अंदर क्या था, ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम जिसमें आपको किस चीज के लिए अलाउ कर दिया गया था कि आप फ्री हो, किसके लिए, पक्षों को, पक्षों में थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए आप फ्री हो। जैसे रंगनाथन जी ने जब कॉलेज क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने PMEST का एक फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा, पहले तो इसका यूज हुआ ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब आपके पास इनको क्रम में ही रखना है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इतनी छूट दे दी कि मान लो अगर आपके पास पर्सनैलिटी है, मैटर है, एनर्जी नहीं है, सीधा स्पेस और टाइम है, तो आप एनर्जी को छोड़कर सीधा स्पेस और टाइम राइट कर सकते हो, आप इसमें फ्रीली इसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल में कौन सी स्कीम्स आएंगी, सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन की, कॉलन क्लासिफिकेशन जो है 1933 में बाय रंगनाथन जी, इसकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एडिशन, ठीक है। सीसी की 4, 5 और 6 नंबर की जो एडिशंस हैं वो कौन सी हैं, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। ये हो गई सीसी की 7 स्कीम्स हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने इन टाइप्स की बात की है। चलते नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या है फुल्ली फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। फुल्ली फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। फुल्ली मीन्स पूर्णतया, मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर क्या था, आप मेन क्लास के लिए पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, सीसी का कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम, कॉलन क्लासिफिकेशन का इसमें 7th एडिशन, ये होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने 6 टाइप्स को डिस्कस कर लिया, 6 टाइप के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए कि किसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है सीसी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।